इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पटना सिटी राज्य स्तरीय इंटर स्कूल स्विमिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक आयोजन हेतु एक प्रेस वार्ता कनौडिया भवन में बुलाई गई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पटना सिटी के चेयरमैन गोविंद कनौडिया ने बताया कि 4 अक्टूबर गोल्फ क्लब परिसर में राज्य स्तरीय इंटर स्कूल स्विमिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पटना सिटी शाखा एवं बिहार स्विमिंग एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित की जा रही है। बिहार के लगभग 100 विद्यालय शामिल होंगे। प्रतियोगिता बिहार राज्य में पहली बार आयोजित की जा रही है। इसका मूल उद्देश्य स्कूल के बच्चों में प्रतिभा की खोज की जा सके एवं बच्चों के अंदर छुपे हुए क्षमता की पहचान की जा सके। चैंपियनशिप के संयोजक रंजीत कुमार बिमल ने बताया कि इसमें दो ग्रुप रखे गए हैं। प्रथम ग्रुप में 14 से 16 वर्ष एवं दूसरे ग्रुप में 11 से 13 वर्ष के बच्चे एवं बच्चियों को रखा गया है। प्रेस वार्ता में आयोजन कमेटी के सदस्य अभिज्ञान बिमल, सरोज जायसवाल, विनोद किसले आदि उपस्थित थे। सौर भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा इंटर स्कूल स्विमिंग प्रतियोगिता 4 अक्टूबर को पटना के गोल्फ क्लब में आयोजित की गई है। इसमें बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को हम लोग टच कर रहे हैं और वहाँ हम लोग हार्ड कॉपी और प्लस नेट के द्वारा फॉर्म भी भेज दिए हैं और सभी जगह से हम लोग के पास फॉर्म आ रहे हैं। बहुत अच्छा हम लोग को इसका रिप्लाई मिल रहा है। आज रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा प्रेस वार्ता के तहत हम लोग एक समाज में संदेश दे रहे हैं कि पूरे बिहार से तैराकी प्रतियोगिता में हमारे 200 स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, जिसमें लड़कियों का भी भागीदारी बहुत लंबी संख्या में है। आप देखते होंगे कि बच्चे आजकल मोबाइल के अंदर में ही ज्यादा समय अपना व्यतीत करते हैं, खेल कूद के प्रति उनका आकर्षण कम हो रहा है। तो हम लोगों ने पहले महिलाएं घर में जाता भी चलाती थी, सिल भी चलाती थी, तो फिजिकल एक्सरसाइज होता था, अब वो सारा बंद हो गया है। तैराकी प्रतियोगिता से ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप खेल में रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, जब स्वस्थ रहोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप देश के हमारे कर्णधार हो, युवा हो। तो इसीलिए रेड क्रॉस सोसाइटी ने ये निर्णय लिया कि तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन करें। आगे भी अगर सक्सेस हम लोग हो गए तो आगे भी प्रतिवर्ष रेड क्रॉस सोसाइटी तैराकी प्रतियोगिता के साथ साथ कराटे है, बहुत सारे गेम्स है जो कराएगी। यह जो इंटर स्कूल स्विमिंग चैंपियनशिप हो रहा है, यह 4 अक्टूबर को हो रहा है। इसमें सिर्फ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ साथ बिहार स्विमिंग एसोसिएशन भी भागीदार बने हुए हैं। हम बिहार स्विमिंग एसोसिएशन के साथ मिलकर ये स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी स्कूल में जो भी स्विमिंग के दिशा में अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, उनका मनोबल बढ़ाया जाए, साथ ही उन्हें पुरस्कृत भी किया जाए। इससे बाकी के छात्रों छात्राओं के बीच में स्विमिंग का एक नया जुझारूपन उत्पन्न होगा, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा स्विमिंग करेंगे। आज के बढ़ते दौर में अगर देखें तो शहर में रहने वाले अधिकांश बच्चे स्विमिंग से, तैराकी से बहुत पीछे हटते जा रहे हैं। खेल कूद, शारीरिक रूप से जो पुराने जमाने में काम किया जाता है, उन सबसे पीछे हटाकर आजकल मोबाइल और इंटरनेट पर ही गेम्स पे सीमित होता जा रहा है। तो हम इसमें चाह रहे हैं कि नए नए बच्चे भी स्विमिंग की ओर अग्रसित हो करके इसमें पार्टिसिपेट करें। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।